हटाओ। आज छत्तीसगढ़ राज्य को 7 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। धान का कटोरा कहे जाने वाला राज्य आज सिर्फ कटोरा का धान बनकर रह गया है, जो ना तो बढ़ता है और ना ही बिखरता है। खेतों की जमीनों में जहां धान उगाए जाते थे, आज वहां निजी मुनाफे के लिए अंधाधुंध फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं। आज इन उद्योगों की स्थापना का खामियाजा वंचित तथा आदिवासी वर्ग को भोगना पड़ रहा है। यहाँ के निवासियों को अपनी ज़मीनों से बेदखल किया जा रहा है। स्पंज आयरन उद्योग से निकलने वाले काले धुएं तथा रासायनिक गैसों ने लोगों का जीना दुभर कर दिया है। ज़मीनें बर्बाद हो रही हैं, फसलें काली पड़ रही हैं। इनकी वजह से आज अनेक प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं। फैक्ट्री के जो काला धुआं है, वो श्वास लेने में तकलीफ है। आदमी को कई प्रकार की बीमारी, जैसे टीबी है, क्षय रोग है, खुजली है, चर्म रोग है, पीलिया है, हैजा है, ये कई प्रकार के भी बीमारी आके खेत के जो फसल है वो बिल्कुल काला हो जाते हैं। फसल है जिन हमारे फसल होना था उतना नहीं हो पाए ना। जहाँ एक ओर छत्तीसगढ़ में पर्यावरण विरोधी एवं विकास विरोधी उद्योगों की स्थापना करके वंचित लोगों के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है, वहीं इसके खिलाफ आंदोलन भी खड़े हो रहे हैं। मिट्टी, जल सब कुछ अति उपलब्ध है, रिसोर्स रहने के कारण पूरे इंडस्ट्री उद्योग यही लगाना चाहता है। और इनकी श्रम की शोषण के अलावा जो औद्योगिक प्रदूषण पैदा हो रहा है, जो रिसोर्स के साथ लोगों की दूरियाँ पैदा हो रही है, और उससे लोगों की कोई हिस्सेदारी नहीं है पूरे निर्णय प्रक्रिया में। और जो बाई प्रोडक्ट के तहत, जो एंड प्रोडक्ट के तहत लोगों को मिल रहा है, वो प्रदूषण, वो भुखमरी, वो बीमारी, वो रिसोर्स से दूरी। और ये रिश्ता एक बार जब बिगड़ जाता है रिसोर्स के साथ, तो पूरी समाज ध्वस्त हो जाता है और समाज के आत्मविश्वास टूट जाता है, समाज दोबारा खड़ा नहीं हो पाता है। इसलिए पूरे औद्योगिक विकास के लिए जो छत्तीसगढ़ को टारगेट बनाया जा रहा है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, ये केवल छत्तीसगढ़ का सवाल नहीं है, पूरे देश की टिकाऊ विकास के मामला है। और पूरी देश की जो औद्योगिक विकास के चलते लोगों की जो सोच है, वो नए दृष्टि की जरूरी है, जो दृष्टि को तोड़ दे रहा है। ये वैश्वीकरण की हमला इसी इलाके में हो रहा है, विस्थापन इसी इलाके में बढ़ रहा है, भूखमरी बढ़ रहा है। इसलिए छत्तीसगढ़ एक आले नवे दिनों में एक शशान, एक बैरन लैंड के तरह वो आगे दिख रहा है। और ये चाहते हैं छत्तीसगढ़ में जो औद्योगिक नीति है, छत्तीसगढ़ के जो औद्योगिक नियम कानून है, जो छत्तीसगढ़ में औद्योगिक शांति के लिए औद्योगिक अधोसंरचना संरचना बनाने की बात है, इन सबों को लेके लगातार संवाद चल रहा है और समाज के विभिन्न वर्ग समय समय पर इस पर अपनी बात को रखा है। चौरंगा ऐसा ही एक गांव है, जहां के लोगों ने औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ संगठित होकर एक फैक्ट्री को न केवल बंद करवाया है, बल्कि राज्य में स्पंज आयरन की बेलगाम बढ़ती रफ्तार को भी रोका है। ये पास में फैक्ट्री जो लगा है, पास में फैक्ट्री में हमारी ज़मीन है, हमारे गांव का उसके नज़दीक में, तो वहां के जो कृषक हैं उन्होंने देखा कि इस फैक्ट्री के कारण हमारे खेत में धुआं धक्कड़ जम जा रहा है, स्वास्थ्य में हानि पड़ रहा है, उससे धूल पड़ने से कृषि का जो धान है वो सोसाइटी गवर्नमेंट नहीं ले रहा है। सिलतरा वाले जो फैक्ट्री है वहाँ जो प्रदूषण होता है, वहाँ का कृषि का जो उपजाऊ जो धान है उसको नहीं लिया जाता। सुने तो हम लोग बोले भैया हमको तो कृषि करना है, और ये फैक्ट्री कितने को रोज़गार दे सकती है, तो इसके चलते गांव वालों ने इकट्ठा होकर के मीटिंग करके ये तय किया कि हमें फैक्ट्री नहीं चाहिए, हमें अपना कृषि भूमि चाहिए जिससे हम अपने बाल बच्चों को पाल सकें। गाँव वालों के बीच और फैक्ट्री वाले के बीच एग्रीमेंट हो चुका है कि फैक्ट्री नहीं चलेगी। उसके बाद हमारे आंदोलन समाप्त हुआ, परंतु अभी 26 तारीख को इन्होंने फिर एक ट्रायल के तौर पर, ये देखिए वो सामान जो आया है, जिसे भी डंफर मंगा के यहाँ कार्य फिर चालू कर दिया था, हनुमान जी की मूर्ति ला के यहाँ बिठा दिया है। ये सब इसकी गतिविधि को देखते हुए गांव वाले फिर सोच जा रही है तो कुछ कर रहा है, तो गांव वालों ने इकट्ठा होकर के इसके बारे में मीटिंग किया कि हमें क्या करना चाहिए, हमें तो फैक्ट्री चाहिए नहीं। तो उन्होंने जितने भी सरकारी अमले हैं, TI है, SP है, DSP है, DOP है, कलेक्टर है, SDM है, इनके पास इसके विरोध में लेटर वगैरह दिए। गांव में एक बैठक हुई शाम को कि हमें फैक्ट्री नहीं चाहिए, आज भी वही बात है और इस फैक्ट्री को कैसे भी हटाना है। हालांकि इस आंदोलन को कुचलने के लिए 12 साथी पर हत्या के झूठे आरोप लगाकर जेल में बंद कर दिया है, और गांव के ही 2 नौजवानों की भी निर्मम हत्या कर दी गई है। चौरंगा के आसपास के 20
25 गांव जो इस आंदोलन को सहयोग दे रहे हैं वे कटिबद्ध हैं कि किसी भी हालत में मौत के इन सौदागरों को गांव में घुसने नहीं देंगे। इसी आत्मविश्वास से लबालब हैं यहां के लोग। छत्तीसगढ़ में संसाधन ज्यादा है, ये सवाल वो है हमारे संपूर्ण विकास नीति की। ये विकास नीति आपको भ्रम पैदा किया है जो कोस्टल क्षेत्र की विकास, डेजर्ट क्षेत्र मरुअंचल की विकास, ये वनांचल के विकास कहता है, ऐसे कैसे हो सकता है। जब तक हम इसको अलग अलग तरीके के नहीं देखेंगे, जब तक जियो कल्चरल का प्लानिंग हम नहीं करेंगे, संसाधन के उपलब्धता के साथ वहाँ के स्थानीय जलवायु के साथ मिलाकर एक विकास की प्लान, एक औद्योगिक प्लान हम जब तक नहीं बनाएंगे, तब तक हम इस समस्या की हल नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे और ये औद्योगिक अशांति पैदा करेगा। विकास और प्रजातंत्र दोनों को साथ साथ लेते हुए जब औद्योगिक नीति के में वो चेहरा दिखेगा नहीं, वो सोच दिखेगा नहीं, उस अवधारणा दिखेगा नहीं, तब तक हम एक स्वस्थ औद्योगिक नीति नहीं बना पाएंगे। छत्तीसगढ़ में 8,040 करोड़ रुपया इन्वेस्ट हुआ है, इसमें ADB के 2,244 करोड़, ये तमाम हर रोज नए नए MOU साइन हो रहा है। टाटा SAR इस तरह के बड़े बड़े कंपनी आ रहे हैं और विस्थापन की संख्या बढ़ रहा है, पलायन के संख्या भी बढ़ रहा है। ये जो विकास के आंकड़े बढ़ रहा है, औद्योगिक पूंजी निवेश बढ़ रहा है, उसी तरह से विस्थापन बढ़ रहा है, पलायन बढ़ रहा है, दमन राज्य सत्ता की दमन बढ़ रहा है और ये भी लगातार बढ़ते चले जा रहा है। सेज की जो लड़ाई है, जो खेतिहर जमीन को बर्बाद करके क्या उद्योग बनाना चाहिए, क्या ये भूअर्जन कानून से लेकर तमाम जो बहस खड़े हो रहा है, इस पर भी चर्चा देश भर में लोग कर रहे हैं।